हेलो। नहीं मैं रहना, दूसरा भी मैं लगाया वैसे, दो में लगा दो। नहीं, मैं क्या मेरे दो में लगे होल्ड दे, एक लगावा बंद कर दो, तो दो में रहने दो। अच्छा ठीक, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी डॉक्टर द्वारा दी गई गाइडलाइंस और गवर्नमेंट द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस का पूरी तरह से फॉलो कर रहे हो। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आप सबके सामने रूबरू हो रहा हूँ रिस्ट पुश चैनल के माध्यम से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए हुए। मुझे पूर्ण आशा है कि आप अंत तक हमारे साथ रहेंगे। आप चाहे जिस भी चैनल और माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, आज का टॉपिक है अटेंडिंग लेक्चर कन्वर्सेशन सत्संग इज एन आर्ट। हम लेक्चर अटेंड करते हैं, कन्वर्सेशन भी अटेंड करते हैं, सत्संग भी अटेंड करते हैं, लेकिन हाफ हार्टेड होके अटेंड करते हैं, पूरे ध्यान से अटेंड नहीं करते। अगर हम पूरे ध्यान से, पूरे मन से ये सभी अटेंड करें, तो जो छोटी सी लेक्चर या कन्वर्सेशन हमें दी गई है या सत्संग हमें सुनने को मिला है, हम देखेंगे कि इस छोटे से सब्जेक्ट में जो वे हमें समझा रहे हैं, इसके लिए उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत करके ये अच्छे से अच्छा हमारे सामने लेकर आए हैं। सो हमने पूरी कोशिश करनी है कि जब भी कोई हम लेक्चर अटेंड करें, कन्वर्सेशन अटेंड करें, सत्संग अटेंड करें, तो उसको पूरे मन से, पूरे ध्यान से करना है। मन को बार बार वाच करना है कि क्या ये कहीं बाहर तो नहीं जा रहा। अगर बाहर जा रहा है तो इसको बार बार लेकर आना है। जब ये अटेंड करना है तो जो वक्ता है या जो सत्संग करता है, उसके मुख, उसकी आंखों की तरफ देखना है। अब क्या हम ये मान सकते हैं कि ये सत्संग सुनना या ये लेक्चर सुनना ये सचमुच में एक कला है? अगर हम कोई भी चीज बड़े ध्यान से सुनते हैं, तो ध्यान से सुनना ही अपने मन को वहीं पर रखना जहां पर हम इसे सुन रहे हैं एक कला है।
अगर हम एक सत्संग सुनते हैं और अपना ध्यान उस तरफ पूरी तरफ देते हैं तो हम एक अच्छे विद्वान बन सकते हैं, क्योंकि जो लेक्चर दे रहा है वो अपनी तरफ से पूरी तरफ से तैयारी करके आया है और वह हमें पूरी तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा अगर हम कोई ग्रंथ पोथी पढ़ते हैं या हम किसी विषय में कोई लेक्चर सुनते हैं या अटेंड करते हैं जिसके बारे में हम पूरी तरह से ध्यान नहीं देते तो हमारा नॉलेज लिमिटेड ही रह जाएगा, हमारा नॉलेज वास्ट नहीं हो सकता। ये वास्ट उसी कंडीशन में होगा जब हम इसे पूरी तरह अच्छी तरह से सुनेंगे। जो सत्संग से हमें प्राथमिक व्यवहारिक और दुनियादारी का हर तरह का ज्ञान हमें मिल जाता है, इसी तरह से जो सत्संग करता है इसी तरह से अगर कोई लक्ष्य दे रहा है कन्वर्सेशन कर रहा है जिस भी विषय में उसको नॉलेज है जिस भी विषय में उसने नॉलेज प्राप्त किया है वह छोटे से समय में हमें बता सकता है, हम उसका फायदा उठा सकते हैं। सत्संग सुनने से हमें भक्ति योग कर्म योग तथा ज्ञान योग आदि सभी विषयों में ज्ञान प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक काम में मन लगाकर सुनना, अगर हमारी नेचर हर काम को मन लगाकर तो डेफिनेटली हम कोई भी हमें लेक्चर दे हमसे हमारे साथ कन्वर्सेशन करे या हमें उस परमात्मा की दया दृष्टि से हमें सत्संग में जाना मिले हम वो भी उसी तरह से सुनेंगे और उसी तरह से हमारा जो है उसमें सुधार होगा। हर कार्य मन लगाकर करता है उसके मन में भी सुधार हो जाता है। जब हमारी आदत बहुत ही अच्छी चीज है, अगर हम मन की आदत ही सुधार लेते हैं हर काम ध्यान से करते हैं तो इस सभी काम जो हमें करने की प्रत्येक काम में मन लगाकर करने की आदत पड़ जाएगी और हमें उसमें सफलता मिलेगी। जब भी हमारी ये आदत हो जाएगी इससे अच्छी कोई आदत नहीं है। जब भी कोई चीज़ हम सुनेंगे कोई अच्छी संगत करेंगे अच्छा लेक्चर सुनेंगे तो हमारी आदतें इससे दिनों दिन अच्छी होती जाएंगी। मगर सुनते हुए किसी का ध्यान ना कर ये ड्रावक है हमारा, ये हमारे मन का ड्रावक है, ये हमने इसको उसमें सुधार लाना है। क्या होता है जब भी हम कहीं अच्छी जगह पे सुन रहे होते हैं किसी का लेक्चर है कन्वर्सेशन है या सत्संग है, क्या होता है कि हमारा मन वहां पर नहीं दिखता, या तो हम घर पे चले जाते हैं या और किसी जगह पे चले जाते हैं तो वो क्या सीखेगा उसके बारे में उस विषय के बारे में हम क्या अच्छी तरह से जान सकते हैं। यहां हम एक उदाहरण लेते हैं। एक ऋषिकेश में एक महात्मा सत्संग कर रहे थे, सत्संग करने के बाद थोड़े समय के लिए रुके और उन्होंने पूछा क्या आपको कोई आवाज आ रही है। उन्होंने कहा हाँ आ रही है, जो दरिया चल रहा है उसकी आवाज आ रही है। कहते इससे दो चार मिनट पहले भी कोई आवाज आ रही थी या ये आवाज आपको आ रही थी। कहते नहीं, तब ये आवाज हमें नहीं आ रही थी।
तो किस चीज की आवाज आ रही थी? कहते जो आप प्रवचन कर रहे थे, जो आप प्रवचन कर रहे थे तो हम प्रवचन की आवाज सुन रहे थे, गंगा के बहने की आवाज हमें बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो उनका कहने का मतलब है कि जब हम हमारा ध्यान जिस तरफ होता है हम उसी तरफ ही देख सुन सकते हैं, और जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो दूसरे हमारे सभी चीज जो हैं उसी तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं और वो ही सभी तरफ देखने लग जाती हैं। जब सत्संग में मन लग जाता है तो बाकी चीजें सभी उसकी हट जाती हैं। चिंतन करने लगे तो सात्विक, अगर हम वहां बैठे बैठे किसी और जगह का चिंतन करना शुरू कर दें और सत्संग में बैठे बैठे हमें नींद आ जाती है, क्योंकि सत्संग सुनो तो रुचि नहीं होती, चाहत नहीं होती, इसलिए मन सत्संग में नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जब सत्संग में शुरू शुरू में जाते हैं, जब हमें सत्संग की इंपॉर्टेंस के बारे में भी पूरी तरह से पता नहीं होता तो हमारा ध्यान वहां नहीं लगता, हमारा जो है हमें नींद आनी शुरू हो जाती है, तो उसकी जो चाहत सत्संग की नहीं होती। सत्संग या कोई भी लेक्चर सुनने की अवस्था में श्रोता को चाहिए कि अगर हम सत्संग हो या कोई दूसरा लेक्चर हो, कन्वर्सेशन हो, अगर हम चाहते हैं कि उससे पूरा फायदा उठाएं, तो जो हमारा ध्यान है हम उनकी आंखों में देखें या मुंह की तरफ देखें, उसके बारे में ही ध्यान करें, इधर उधर ना करें। अगर इधर उधर ध्यान करेंगे तो उसका फायदा नहीं होगा। कभी ध्यान इधर करता है, कभी उधर करता है, उसको सत्संग सुनना नहीं आता। सुनते समय तत्परता से मन लगाकर सुनना चाहिए। जब भी सुनना है, चाहे लेक्चर सुनना है, कन्वर्सेशन सुननी है या सत्संग सुनना है, पूरे ध्यान से तत्परता से ये देखते हुए कि देखो आगे ये क्या बोलेगा, हमारा ध्यान उस तरफ होना चाहिए। अगर हम तत्परता से उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो उसका हमें फायदा होता है, और हमें ये भी देखना पड़ता है कि क्या 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 नवी चीज बता रहा है, इसका हमें क्या फायदा हो सकता है। जब ये ध्यान पूरी तरह से करेगा तो उसका फायदा होगा। अनसुनी वक्त जब किसी विषय या अनुभवी वक्ता जिसको एक्सपीरियंस है, जो बोल रहा है, चाहे वो लेक्चरर है, चाहे वो कन्वर्सेशनिस्ट है, चाहे सत्संग करता है, जब भी वह बोलता है, किसी भी विषय को खोलता है, उसका तरीका अलग और बहुत ही अच्छा होता है। जब भी वह किसी विषय को खोलता है तो उसका विषय, उसका तरीका अलग से होता है। जब वक्ता केवल, जो वक्ता केवल शास्त्र की दृष्टि से व्याख्यान करता है, उसका तरीका अलग होता है। जो पढ़ी पढ़ाई बातें शास्त्रों से करता है, उसका तरीका अलग होता है। वह केवल पुस्तकों पर आधारित होता है। अनुभवी महात्मा के वचन दिल को छू लेने वाले होते हैं। क्या मजा आता है जब अनुभवी महात्मा, अनुभवी लेक्चरर, अनुभवी कन्वर्सेशनिस्ट जब बोलते हैं तो उनके बोल इतने प्यारे होते हैं, इतने अच्छे होते हैं कि दिल लगता है कि इन्हीं में खो जाएं। हम जानते हैं कि भूख लगने पर भोजन कितना स्वादिष्ट लगता है। तो जब भी हमने ये सत्संग सुनना है, लेक्चर सुनना है, अपने मन में भूख खाकर, मन में ये लेकर मैंने यहां से आज कुछ लेकर जाना है, तो वो बड़े ध्यान से सुनेगा और उसकी बातें उसके अंतकरण में प्रवेश कर जाएंगी। जब वो
बड़े ध्यान से, बड़े अच्छी तरह से किसी भी चीज को सुनेगा, वो जो वक्ता कहेगा वो सारी उसके अंदर जाती जाएंगी। अब देखो, पारस के छूने पर लोहा सोना नहीं बन रहा, क्योंकि पारस की तो क्वालिटी है कि वो लोहे को सोना बना दे, पर अगर नहीं बन रहा इसका मतलब है कि लोहे पर कोई ना कोई असल असली नहीं है, लोहे पर कोई ना कोई चिद्र चढ़ी हुई है, या पारस जो है वो असली नहीं है, फिर लोहे के ऊपर कोई परत चढ़ी हुई है। इसी तरह से जब श्रोता के जीवन में सत्संगकर्ता से या किसी भी वक्ता से कहने पर किसी भी तरह का असर नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि वक्ता जो बोलने वाला है ब्रह्म ज्ञान में अनुभवहीन है, उसको ब्रह्म ज्ञान में नॉलेज नहीं है, वे ब्रह्म के बारे में जानता नहीं है। इस कारण हम में वो चेंजेस नहीं आ रहे जो चाहिए, या फिर जिज्ञासु कुछ अपनी अटकलें लगा रहा है, या जो सुनने वाला है बजाय ये करने के जो वो कह रहा है उसी के अनुसार सुने, उसी के अनुसार कहे, वो अपनी तरफ से लगा रहा है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो उसकी लाइफ में चेंजेस नहीं आ रहे और महात्मा के वचन उसके हृदय को नहीं छू रहे। अपने मन में और ही सवाल जवाब लेकर बैठा है तो महात्मा के लवन, महात्मा के शब्द उसको कैसे छू सकते हैं। पारस जिस लोहे को सोना बनाता है, वह सोना किसी दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। अभी देखो कि पारस जिस लोहे को सोना बना देता है, जो आगे वो सोना है ना, आगे वो पारस नहीं बना सकता। लेकिन संतों महात्माओं में ये क्वालिटीज होती हैं, ये गुण होते हैं कि जिस भी जिसको भी आगे ब्रह्म ज्ञान देते हैं, जिनको भी अच्छे उन परमात्मा का ज्ञान देते हैं, अभ्यास करने पर श्रद्धालु भी पारस बन जाता है। वह चाहे तो आगे पारस सोना आगे बना सकता है, दूसरों को भी ब्रह्म ज्ञान में दे सकता है और उनसे अभ्यास करवा सकता है। कुछ श्रोता इस ध्यान से प्रवचन करते हैं कि उन्होंने करते हैं कि और सुनते हैं जो प्रवचन हो रहा है उसको सुनते हैं कि वे इसका नॉलेज प्राप्त करके खुद आगे लेक्चर देंगे, खुद आगे प्रवक्ता बनेंगे, किंतु प्रभु प्रेमी नहीं बन सकते। उनका अपना अंदर से ज्ञान नहीं प्राप्त होता कि उन्होंने ब्रह्म ज्ञान या नाम दान नहीं दिया होता, जिस कारण उनका लेक्चर तो अच्छा हो सकता है लेकिन वह लोगों को अपील नहीं कर सकता। उनका जो ध्यान होता है वो होता है मैं दूसरों को सुनाऊं और उनसे प्रशंसा प्राप्त करूं कि वह ध्यान से सुनते हैं, तभी अच्छी किताबें, रिलीजियस बुक्स, सभी संत महात्मा आदि शास्त्रों, सत्य शास्त्रों, धर्म ग्रंथों में सत्संग सुनने की महत्ता को दर्शाया गया है। या अगर हमने जिंदगी में तरक्की करनी है, अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदगी में तरक्की करें, हम जिंदगी बहराइज करें, तो जो भी वो बात सुनते हैं
उनको अच्छी तरह से दिल लगा के सुने, और सुनने के बाद जो वो प्रैक्टिकल शेप उसको दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। सो हम ये कह सकते हैं कि कोई लेक्चर सुनना, कन्वर्सेशन करना, सत्संग सुनना, ये एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जो हमारी लाइफ को ही बदल के रख सकता है। हमने आज से प्लेज करना है कि जो भी चीज सुननी है, जो भी चीज अटेंड करनी है, कोशिश करनी है कि अपना एक तो अपना मन वहां पर रहे, अगर बाहर जा रहा है तो इसको वापस लेकर आओ, फिर जा रहा है फिर वापस लेकर आओ। इसके अलावा जब भी हमने सुनना है तो अपनी आंखें वक्ता के मुख पर या आंखों पे रखनी है। धन्यवाद।